हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले BGMI के अनबैन को लेकर। तो बता दूं कि फाइनली आप लोगों का BGMI अनबैन होने वाला है। और गाइस, यहाँ पे क्या कुछ ऑफिशियल लीक्स है और साथ ही में गाइस गवर्नमेंट के साइड से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है BGMI अनबैन के लिए। तो ये क्या होने वाला है, साथ ही में आपको कितने दिनों के अंदर गेम देखने को मिलेगा, दिखाती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये गवर्नमेंट के साइड से ऑफिशियल वाला स्टेटमेंट दिया गया। अभी इसके अंदर क्या बोला गया और साथ ही में BGMI कब तक आ रहा है उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को बोला गया ऊपर में कि यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया जिसके अंदर BGMI को एक बार फिर से अनबैन किया जा रहा है। यानी कि 3 महीनों के लिए आप लोगों का BGMI आ चुका है वापस, समझो। और उसी के अंदर जो है कुछ कुछ चेंजेस किए जाएंगे, और उसके अंदर मतलब जब 3 महीने के लिए आपका गेम आएगा इंडिया पे वापस, तो उसके अंदर ना क्राफ्टन को प्रूव करना होगा कि ये जितने भी चीज़ें गेम के अंदर है, BGMI के अंदर है, वो सारी चीज़ें पबजी मोबाइल से पूरी अलग हो। और जितना भी डाटा वगैरह सब जा रहा था चाइना में, या फिर जितनी भी प्रॉब्लम थी पहले पबजी मोबाइल और BGMI बिल्कुल सेम टाइप का हो गया था, उन सारी चीज़ों को अब बिल्कुल अलग करना होगा इन लोगों को। और 3 मंथ का टाइम मिल रहा है, यानी कि 3 महीने में अगर ये लोग क्राफ्टन वाले प्रूव कर देते हैं कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ अलग अलग है और बिल्कुल भी BGMI जो है पबजी से लिंक्ड नहीं है, साथ ही में कुछ डाटा वगैरह नहीं जा रहा इधर उधर, तो गाइस यहाँ पे BGMI फिर हमेशा के लिए अनबैन यहाँ पे हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको अनबैन कर दिया गया है 3 महीनों के लिए, लेकिन अगर ये लोग प्रूफ नहीं कर पाते तो बैन कर दिया जाएगा। लेकिन इसका चांस कम ही है, क्योंकि इनफ टाइम होगा 3 महीने करने के लिए कि BGMI के अंदर कुछ नहीं है। बाकी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नया एप्लीकेशन ही देखने को मिले, क्योंकि अभी जो फिलहाल BGMI है इसके अंदर तो आप लोगों की इतने सारी चीज़ें हैं जिनसे यहाँ पे कहीं ना कहीं इधर उधर से कुछ निकल ही जाएगा जिससे हमारा गेम बैन हो जाएगा। इसलिए मेरे को लगता है कि आप लोगों को कोई दूसरी एप्लीकेशन, कोई न्यू एप्लीकेशन BGMI की तरह ही देखने को मिलेगी, जिसमें आप अपनी ID वगैरह सब स्विच कर पाओ और बाकी गाइस यहाँ पे उसके बाद ही आप लोग जो यहाँ पे खेल पाओगे। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, मतलब एक बार अगर गेम आता है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे जिनको आप लोगों को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे क्या है वो देखो आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया ना कि टाइम लिमिट आपको डाल दिया जाएगा, मतलब कि आप लोगों के पास कुछ लिमिटेशन रहेगा और उसी के अंदर ही आप लोगों को खेलना रहेगा, मतलब कि 6 घंटे या फिर 8 घंटे, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं खेल पाओगे, इतना यहाँ पे बोला गया। बाकी गाइस यहाँ पे बोला गया कि जो ब्लड का कलर है जब आप लोग गोली चलाते हो तो उसको ना रेड, मतलब जो ब्लड का जो कलर है उसको ना रेड के जगह कुछ और चेंज कर दिया जाएगा। तो चलिए ये तो ठीक है, किसी भी कलर का ब्लड रहे हमें तो खेलने से मतलब है। बाकी गाइस यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो चेंजेस किए जाएंगे उसके बाद यहाँ पे पता चलेगा आगे जाकर कि BGMI हाँ अनबैन होने वाला है। बाकी गाइस आप लोगों का इसके ऊपर क्या बोल रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि BGMI तो आ चुका है, बस कुछ टाइम बाद आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब ये तो गाइस एकदम काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हो गई है सभी के लिए कि एकदम से BGMI अभी लग रहा था कि नहीं आएगा और अभी के अभी इसको अनबैन कर दिया गया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है, आप लोग खुश हो या नहीं। बाकी मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हाँ अब नहीं आने वाला, मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको बोला था, पर यार मतलब एकदम से ऐसा हो जाएगा मेरे को खुद भी नहीं पता था। आप लोग कमेंट में बताना। बाकी मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।